पहाड़े के उत्ते जो है ये तस्वीर तुसी देख रहे हो, घोड़ा जो है इतने पहुंच गया है। सिचुएशन नो जो है कंट्रोल करने की कोशिश है, हिंसा जो है इतने भड़क रही है। सिख कैदियों की रिहाई और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री का आवाज घेरने निकले प्रदर्शनकारियों की बुधवार को सेक्टर 51-52 की सीमा पर पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तलवारों से भी हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल है। डीजीपी ने इसका टीकरा कौमी इंसाफ मोर्चा पर फोड़ा है। इशारों इशारों में उन्होंने पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठा दिए। मोहाली के वाईपीएस चौक के पास एक महीने से प्रदर्शन चल रहा है। कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थक मांगों को लेकर 3 दिन से प्रदर्शनकारी पंजाब के मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते थे। बुधवार को भी कई लोगों के जत्थे ने चंडीगढ़ में दाखिल होने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। देखते ही देखते चंडीगढ़ मोहाली सीमा हिंसा का मैदान बन गई और पुलिस के साथ झड़पें हो गई। पुलिस कर्मियों ने डंडे चलाए तो प्रदर्शनकारी भी उन्हें पीटने लगे। वाटर कैनन के साथ समर्थकों को रोकने की कोशिश हुई। ऐसे में भीड़ ने गुस्सा दिखाते हुए तलवारों और डंडों तक निकाल कर हमला शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पथराव भी किया गया। इस बीच पुलिस का सुरक्षा कवच प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया और चंडीगढ़ की सीमा में घुसने में वे सफल दिखाई दिए। यह देखकर पुलिसकर्मी गाड़ियों को मौके पर छोड़ पीछे हटते नजर आए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ दिया। डीजीपी प्रवीण रंजन ने कहा कि 3 दिन से प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की थी वे सीएम आवास की तरफ जाना चाहते हैं। पुलिस की तरफ से उन्हें बताया गया कि चंडीगढ़ में धारा 144 लगी हुई है। वहीं सीएम आवास का इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए वहां पर किसी भी तरीके के प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी जा सकती। सैकड़ों सिख प्रदर्शनकारी 7 जनवरी से कौमी इंसाफ मोर्चा के तहत धरना और रोष प्रदर्शन कर रहे थे। चंडीगढ़ में एंट्री की कोशिश भी देखते हुए इनका पुलिस से टकराव भी हुआ। वहीं मोर्चा को पंजाब के साथ साथ यूपी के किसानों यूनियन द्वारा समर्थन भी दिया जा रहा है। इस समर्थन में इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कुछ निहंगों को एक गिरे हुए पुलिसकर्मी पर हमला करते हुए भी देखा गया। आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो, देखिए चंडीगढ़ से। घोड़ा जो है इतने आ गया है, घोड़े के उत्ते जो है एक तस्वीर तुसी देख रहे हो, घोड़ा जो है इतने पहुंच गया है। सिचुएशन जो है कंट्रोल करने की कोशिश है, हिंसा जो है इतने भड़क रही है। तस्वीर तुसी देख रहे हो हिंसा इतने भड़क गई है। तस्वीर तुसी देख रहे हो हिंसा पत्थर डाले तमाम तरह की हिंसा इतने हो रही है। देखो तुसी तस्वीर तुसी उन्होंने कंट्रोल किया जाए, टेंपर जो ने भावनावान जो ने उन्होंने कंट्रोल किया जाए। हालांकि दूजे पास एक तस्वीर तुसी देख रहे हो, घोड़ा जो है इतने आ गया है, घोड़े के उत्ते जो है एक तस्वीर तुसी देख रहे हो, घोड़ा जो है इतने पहुंच गया है। सिचुएशन जो है कंट्रोल करने की कोशिश है, हिंसा जो है इतने भड़क रही है। तस्वीर तुसी देख रहे हो हिंसा इतने भड़क गई है। तस्वीर तुसी देख रहे हो हिंसा पत्थर डाले तमाम तरह की हिंसा इतने हो रही है। देखो तुसी तस्वीर तुसी मैं हूँ। पंजाब पुलिस भी हमें अश्योर कर रही है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज जो हुआ वो उसने सबको सरप्राइज से लिया, हमें भी सरप्राइज से लिया। और आप देख रहे हैं कि ये पंजाब के इलाके में ही हुआ है, जो हमने अपने बॉर्डर पे इनको रोकने की कोशिश की थी, तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और इतने हथियारों के साथ कैसे आए, ये एक सोचने का विषय है। इसके ऊपर उनको भी विचार करना चाहिए। तो सर इसका फिर हम जिम्मेवार किसको माने, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अगर आप नहीं, अभी मैं कोई जिम्मेवारी की बात नहीं करूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हुआ उसके लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एश्योरेंस पंजाब को भी दिया था, हमें भी दिया था। कोई वीडियो जारी करोगे किना किना को वेपन थी, कौन थी, सब तरह के वेपन
वेपन्स हैं इसमें, बड़ी बड़ी तलवारें हैं, घोड़े लेकर के आए हैं, लाठी उनके हाथ में थी और सब तरह के डेंजरस वेपन थे, लोहे के रॉड थे इनके पास जिससे इन्होंने अटैक किया है। FIR भी होगी इसमें और उन सबके खिलाफ होगी जो आज इसमें शामिल थे। बाकी हमारे पास काफी वीडियो फुटेजेस हैं और बहुत सारे एविडेंस हैं, आप देख रहे हैं गाड़ियां तोड़ी गई हैं इनके, बिल्कुल पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।